सो है गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई है कैसे आप बी एन वीडियो एडिटर के अंदर प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग कर सकते हो। फोटो एडिट करके किस तरीके से फोटो को आप अपनी गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो पर दिखाया है। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और बढ़ते वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूं बी एन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में। सबसे पहले नीचे जो आपको प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहां से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहां से अपना फोटो चूज करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहां से फोटो चूज कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप यहाँ से अपना फोटो सिलेक्ट करेंगे जिसको आप एडिट करने वाले हो। सो यहाँ से मैं अपना फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो मैंने अपना फोटो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो फोटो है वो आ जाएगा बी एन वीडियो एडिटर के अंदर। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एडिट कर लेना है, सॉरी इसको डिलीट कर लेना है। आपको ये जो आपको ब्लैंक पार्ट दिखाई दे रहा है, डिलीट के ऊपर क्लिक करके अभी आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ से और एक काम करना है, इसका जो एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा एस्पेक्ट रेशियो आप यहाँ से चूज करना चाहते हो, या आप ओरिजिनल भी रख सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद अभी हमें अपना फोटो को एडिट किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमें फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लाट फाइल का लिंक दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप जो उसको इनपुट कर लीजिएगा बी एन वीडियो एडिटर के अंदर। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी इनपुट करके रखा हुआ, आप देख सकते हो, तो मुझे इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपको यहाँ से लाट फाइल को सबसे पहले अप्लाई कर लेना है। जैसे कि मैं अप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको बहुत सारा प्रीसेट मिलेगा, इनमें से कोई भी प्रीसेट को आप अपनी फोटो पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि मैं कौन सा अप्लाई करूँ। ओके, तो मान के चलो मैंने इसको अप्लाई कर लिया। ठीक है, अपनी फोटो पर अच्छा लग रहा है, आप चाहो तो कोई दूसरा फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि प्रीसेट। उसके बाद आपको आ जाना है एडजस्ट पर, यहाँ से आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले एक्सपोजर को हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि 10%। कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ब्राइटनेस को हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, जैसे कि अराउंड 10%। सेचुरेशन को हमें यूज़ करना है 15%। वाइब्रेंस यूज़ नहीं करना है, शार्पन को यूज़ करना है। सो शार्पन का वैल्यू आपको रखना है 10%। ठीक है, हाईलाइट को आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि 5%। ओके, उसके बाद आपको सिंपली कर देना है डन। सो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। हेयर इज द बिफोर एंड हेयर इज द आफ्टर। सो आप देख सकते हो हमारा जो फोटो एडिट हो चुका है। अभी आप सोच रहे हो कि फोटो तो एडिट कर लिया, लेकिन इसको फोटो के फॉर्मेट में हम सेव किस तरीके से करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा 4K रेजोल्यूशन में। आप देख सकते हो 4K, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहां से 4K रेजोल्यूशन में से एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, यानी कि सेव कर लीजिएगा अपनी गैलरी के अंदर। सो ये सेव हो जाएगा काफ़ी जल्दी, आप देख सकते हो ये सेव हो रहा है। तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ओके, तो फोटो हमारी गैलरी के अंदर सेव हो चुका है, यानी कि वीडियो सेव हो चुका है। अभी यहाँ से आ जाना है बैक हमें। सो बैक आने के बाद अभी आपको क्या करना है, काइनमास्टर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। सो ये आप देख सकते हो मैंने काइनमास्टर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। उसके बाद आपको क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना एस्पेक्ट रेशियो चूज़ कर लीजिएगा। मैं 9:16 को चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ से आप इमेज के ऊपर क्लिक करके एक बैकग्राउंड को टाइमलाइन पर ऐड कर लीजिएगा, किसी भी कलर का। ठीक है, उसके बाद आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया ब्राउजर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना वीडियो ऐड करना है। ठीक है, सो जिसको हमने एडिट किया था थोड़ी देर पहले बी एन ऐप के अंदर, तो यहाँ से मैं अपना वीडियो को इम्पोर्ट कर लिया, आप देख सकते हो। सबसे पहले वीडियो को आपको इस तरीके से पूरे स्क्रीन पर फिल कर लेना है, यानी कि पिक्चर को। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड की तरफ एक ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हो ये, जिसका नाम है स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट, आप किसी भी कुछ भी कह सकते हो इसे। ठीक है, सो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड इसे सिंपली कर देना है कैप्चर एंड सेव। सो ये हो गया आपका फोटो आपकी गैलरी के अंदर सेव। तो इस तरीके से आप बी एन ऐप के अंदर फोटो एडिट करके उसको फोटो के फॉर्मेट में अपनी गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।